सभी को जय हिंद। तो आज हम लोग एसआई का टेस्ट लेने वाले हैं। अभी देख सकते हो सब लोग पीछे में पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसके बाद पांचवा इवेंट ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर, 1500 मीटर का टेस्ट लेंगे। कौन कितने कितने नंबर का कर रहा है ये चीज़ें आपको मैं लास्ट में बताऊँगा। तो आप लोग भी देखते रहना किस तरीके से टेस्ट लिया जा रहा है। तो अभी ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद इधर फिर से स्ट्रेचिंग चालू है। उधर भूतपूर्व सैनिक लोगों का संगठन और ये चूना लग गया है, पुराना है ये। तो इधर एक्सरसाइज चल रहा है, जल्दी एक्सरसाइज करो। देख सकते हो ये ट्रैक में लग चुके हैं रनिंग के लिए, और उधर से समय बताएंगे ये देख सकते हो। तो एक सेट 100 मीटर का कंप्लीट कर चुके हैं, अब दूसरे लोगों की बारी है। पिछले बार 4 लोगों को दौड़ाए थे, इस बार भी हम लोग 4 लोगों को दौड़ाएंगे। चलो रेडी हो जाओ इधर। अभी जो हमारे सबसे आगे में है वो भूतपूर्व सैनिक है, जो उन चारों लोगों में तीनों में समय थोड़ा ज्यादा आ रहा है। और इसके बाद हम लोग जो सिंथेटिक ग्राउंड है जहाँ होगा एक्चुअल वहाँ कराए तो सबका 1-2 सेकेंड कम आ रहा है। तो अगर यहाँ की अपेक्षा अगर वहाँ कंपेयर करें तो यहाँ से वहाँ लाख गुना बेटर आ रहा है। ये अपना लास्ट ग्रुप है 100 मीटर का लास्ट ग्रुप। तो अब जाके इन लोगों का समय देखेंगे, ये लास्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे गोला ऊंची लंबी, ये तो ये क्लियर नहीं रहता कि पहले इसके बाद ऊंची कराएंगे लंबी कराएंगे। मतलब तीनों में जो ट्रैक या जो सभी फील्ड खाली हो उसमें आपको कराया जा सकता है। जरूरी नहीं कि 100 मीटर के बाद आपको ऊंची लंबी गोला कराएं, ये फिक्स नहीं है। जहाँ पे खाली रहेगा वहीं पे आपको कराएंगे। तो अभी लोगों का समय देखेंगे। 100 मीटर का इवेंट खत्म हो गया, अब गोला फेंकने का तैयारी चल रहा है। इसके बाद गोला होगा। तो जिस तरीके से 100 मीटर में 4-4 लोगों को कराए थे उसी तरीके से इसमें कराएंगे 4-4 लोगों को। 4 लोग पहले फेंकेंगे, एक एक करके फेंकेंगे और सबको 3 मौका मिलेगा, लेकिन लगातार नहीं मिलेगा। फेंक फेंक के वो फेंका फिर बारी बारी से फेंकेंगे, तब आप लोगों को 3 मौका मिलेगा। लगातार 3 मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले है इक्का, उसके बाद अखिलेश, मार्तांड और फिर अजय, 4 लोग। तो अभी देख सकते हो ये 7 मीटर से पहले है, मतलब 6.80 है। तो ये आपको अभी 6.80 ही मिलेगा, 7 का इसमें नहीं मिलेगा। लिखे आप लाइन में गिरीश माने आपको 36 चल चल मार्तांड मार्तांड हट तो गोला फेंक भी अब खत्म हो चुका है। ये हमारे चंद्र सर फेंकेंगे लास्ट में, उसके बाद खत्म। फिर उसके बाद कुछ कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर उधर ऊंची कूद का तैयारी करेंगे। तो अभी नाश्ता वगैरह चल रहा है, इसके बाद हम लोग ऊंची कूद करेंगे। ऊंची कूद का मेजरमेंट उधर लग चुका है, और इधर जैसे ही नाश्ता किए उसके बाद ऊंची कूद चालू होगी। 24 नंबर लगा है, अभी जंप करेंगे हमारे कुलदीप। 48 नंबर लग चुका है, और ये सब लोग बैठे हुए हैं अभी। अभी ये देखो, अभी ये आएगा 48 नंबर के लिए। 48 नंबर अभी इनके पास 3 मौका बचा हुआ है, 48 नंबर ये निकाल चुके हैं। अब 60 नंबर के लिए जाएंगे। 60 नंबर के लिए ये 1 नंबर 60 नंबर मार चुके, पूरा क्लीन 60 नंबर मार चुके हैं।
और वो भी बिना गिराए बिना टच किए तीन बार जो मौका दिया गया उसको यूज किए बिना तीन बार ये निकाल चुके हैं पूरा। तो अब 36 नंबर लग चुका है, 24 नंबर तक बिना टच किए क्लियर कर चुके बिना गिराए हमारे भूतपूर्व सैनिक है पाटन वार सर। अभी आएंगे 36 नंबर के लिए, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। निकल चुका 36 नंबर, अभी भी इनके पास तीन मौका बचा हुआ है अभी भी। ये देख सकते हो अगर दिखेगा तो, ये देखो अभी भी ये देखो तीन मौका इनके पास निकल चुका है। टाइमिंग भी देख सकते हैं और इधर भी 14.98 इधर 6 मीटर गोला इनका अभी भी जा रहा है। इनका पूरा स्कोर कार्ड दिखा दिया मैं आपको बिना गिराए अभी भी। तो ऊंची कूद के लिए फिर से 36 नंबर लग चुका है और हमारे दो भूतपूर्व सैनिक है उधर, अभी देख रहे हैं किसका निकल रहा है किसका नहीं निकल रहा है। एक नंबर, तो देख सकते हैं 36 नंबर निकाल चुके हैं। चलिए मिश्रा सर, एक नंबर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब 36 नंबर निकाल चुके हैं, अब 48 नंबर लग रहा है। एक नंबर, 48 नंबर क्लियर हो चुका है। मिश्रा सर के भी 48 नंबर निकल चुका है। चलो हाई जंप कंप्लीट हो चुका है, अब लॉन्ग जंप करेंगे। इसके बाद देख रहे हो पूरा गद्दा वगैरह को हटा रहे, लॉन्ग जंप करेंगे और लॉन्ग जंप करने के बाद सबसे लास्ट में 1500 मीटर मारेंगे। अभी देख रहे हैं लॉन्ग जंप में कौन कितना। तो अब लॉन्ग जंप चालू हो चुका है, अभी आ रहे हमारे कुलदीप एक्का, भी देख रहे हैं ये कितना मारेंगे। चला जाए इक्का, ये बढ़िया सर, गुड 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 गुड। 1500 मीटर चालू हो चुका है अभी, चल पाँच 14 में 1500 मीटर हमारे भूतपूर्व सैनिक का। हो गया, चल उधर जा, उधर जा, चल चल पैदल चलने वाले, ए मार के चल यार चारों चारों
चार राउंड फिर दोनों खाली दोनों बहुत लोग कंप्लीट नहीं कर पाए रनिंग को, जो क्योंकि अभी भी कई लोगों के पैरों में बहुत समस्या है। लेकिन हमारा जो सबसे बेस्ट टाइमिंग आया है 5:14 में सबसे बेस्ट टाइमिंग आया है। आप लोगों से छुपाने वाला या ज़्यादा टाइमिंग दिखाने वाली बात नहीं, 5:14 बेस्ट टाइमिंग आया है। और उसके बाद जो है 6 मिनट के अंदर में 6:30 तक भी मारे मारे हैं, और हम लोगों ने 8 बजे से आया है ना, और 8 बजे के बाद मतलब जिस तरीके से वहाँ भर्ती कराया जाएगा ऊंची लंबी बोला, उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज़ को पूरा हमने किया है। मतलब कोई चीज़ के लिए ज़्यादा रेस नहीं, प्रॉपर तरीके से कराया है और समय लेके करा। हम लोग 8 बजे से आए हैं और अभी लगभग 1 या 2 बज रहा होगा, तो देख सकते हो कितना समय है। और ज़्यादा लोग नहीं है फिर भी से 1 से 2 बजाए हैं, मतलब आराम से किया, और उमस इतना ज़्यादा है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आज टेस्ट के ऊपर। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।